कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कुसुम जैन मातेश्वरी, नेहा नीलम, विकास जैन, प्रीति राजी जैन आदि सानिया, समकित देशना, सिद्ध वेदिका, मोदी परिवार, सुराई वाले बाहुबली नगर ललितपुर। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरियाणम, नमो आजायाणम, नमो लोए सहसाहुणम। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा हम सबको परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषीष से एवं परम पूज मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की महती अनुकंपा से प्राप्त हो रही है, जो निश्चित ही हमारे अंतरंग में एक निराकुलता की अनुभूति कराने वाली है, क्योंकि यहाँ पर विकल्प भी समीचीन है और उसका समाधान भी सम्यक है। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेक अनेक समीचीन विकल्प हम यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज मुनि श्री उनका आगमोक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर अंकित जैन पुरवाल सपरिवार परम पूज मुनि श्री के चरणों में त्रिकाल त्रिभक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी ध्यान और अनुप्रेक्षा से चेतना का रूपांतरण कैसे करना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, पहले तो ध्यान और अनुप्रेक्षा को समझते हुए फिर हमें चेतना की ओर जाने की आवश्यकता है। जो एकाग्र चिंता निरोधा, जो जीव की एकाग्र होते हुए चिंता का निरोध करते हुए चिंतन की एकाग्रता की जो परिणति चल रही है उसे ध्यान का, और मुहुर मुहुर चिंतनम अनुप्रेक्षा, पुनः पुनः उसी विषय पर चिंतन करना, ये अनुप्रेक्षा का ही। और उस अनुप्रेक्षा और ध्यान इन दोनों से ही हम परिपूर्ण अपनी चेतना तक पहुंच सकते हैं और अपनी उस चेतना को जागृत करते हुए चेतना की अनुभूति भी कर सकते हैं। पहले तो उस अनुप्रेक्षा को अगर हम समझे तो पुनः पुनः जो हमने समझा है, जाना है, अनुभव किया है, उसे पुनः पुनः करना, इसे ही अनुप्रेक्षा कहा है। अनुप्रेक्षा का मतलब 12 भावनाओं को पढ़ना, उनको किसी को सुना देना, इतना ही नहीं है, अपितु अनुप्रेक्षा का मतलब होता है पुनः पुनः एक ही विषय पर चिंतन करते हुए किसी निष्कर्ष तक पहुंचना, किसी निर्णय तक पहुंचना। अगर हम भेद विज्ञान के चिंतन के द्वारा जीव पुद्गल भिन्न भिन्न है, उनकी भिन्नत्व भावना, एकत्व भावना आदि आदि भावनाओं का चिंतन करते हुए जब हम ये निर्णय करें कि इन 12 भावनाओं में पहली जो भावना बताई है, दूसरी भावना बताई है, एक एक क्रम से उन भावनाओं का चिंतन करते हुए भले ही शब्द हमें याद हो नहीं हो, पर उसका जो आशय है, उस आशय को, उस अभिप्राय को समझने की आवश्यकता है। जहाँ अशरण भावना स्पष्ट कहती है कि संसार में कोई भी हमारे लिए शरणभूत नहीं है, मैं अकेला एकत्व का ही अधिकारी हूँ, मैं इस पर्याय से भिन्न द्रव्यों से भिन्न स्वरूप हूँ, संसार में दुख है आदि आदि सभी का चिंतन करते हुए उसमें अगर निश्चय से हम रहस्य को समझे तो हमारे लिए आत्मा शरण है,
आत्मा ही सबसे भिन्नत्व होने ही से वहाँ आत्मा का ही चिंतन है, आत्मा ही एकत्व गुण से युक्त है, सो वह चेतना ही है। पुनः संसार में अगर कोई सुख का साधन है तो यह आत्मा चेतना ही है। इस प्रकार से इन सभी भावनाओं में या शब्दों में या उसकी भावनाओं में जो हमारा चिंतन चल रहा है, पुनः पुनः अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न दृष्टियों से व अनुप्रेक्षा के साथ हम चेतना से जुड़ सकते हैं। साथ साथ ध्यान में तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, जहाँ ध्यान चल रहा था वह बाकी के सभी बाहर के विकल्पों को संकल्पों को परिपूर्ण रूप से नज़रअंदाज करते हुए उससे दृष्टि को हटाते हुए जो उस ज्ञान रूपी आत्मा में जो एकाग्रता चल रही है वही परिपूर्ण रूप से ध्यान था। इसलिए हम अनुप्रेक्षा के माध्यम से पुनः पुनः चिंतन करते हुए अनेक प्रकार के दृष्टि से आत्मा से चेतना से जुड़ सकते हैं। और जहाँ मन की परिणामों की एकाग्रता पूर्वक अगर हमें आत्मा से जुड़ना है तो हम ध्यान भी कर सकते हैं। इसलिए ध्यान के माध्यम से, अनुप्रेक्षा के माध्यम से, दोनों में से किसी भी माध्यम से हम उस आत्मा चेतना से जुड़ सकते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात यह है कि जो प्रारंभिक अवस्था है उस समय में चेतना से जुड़ने के लिए हमारे लिए अनुप्रेक्षा सहायभूत हो सकती है, और अनुप्रेक्षा के बाद हम अगर आत्मा से जुड़ना सीख चुके हैं तो उसके बाद अगर कोई निमित्तभूत सहायभूत है तो वह एकाग्र चिंता निरोधा, वह चिंता का निरोध करते हुए एकाग्रता को धारण करते हुए ध्यान ही आत्मा तक चेतना तक पहुँचाने के लिए आलंबन होगा। एक अनभ्यस्त दशा में है, एक अभ्यस्त दशा में है। इस प्रकार से अभ्यास करने पर ध्यान से भी और अभ्यास नहीं होने पर वह बारह भावना रूपी अनुपेक्षा या किसी भी तत्व का पुनः पुनः चिंतन करते हुए हम आत्मा से जुड़ सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक सवाल। आरती जैन, बानपुर, उत्तर प्रदेश से, मनीषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, यदि कोई ग्रंथ पुराना हो जाए या उसके पेज निकलने लगे, उसमें लिखे हुए शब्द स्पष्ट रूप से दिखाई ना दें, तो ऐसे उन ग्रंथों का क्या करना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पहले तो श्रावक को उस जीर्ण शीर्ण ग्रंथों की सुरक्षा करने की आवश्यकता है। जो थोड़े बहुत पन्ने फट रहे हैं, कहीं कुछ किसी प्रकार से बाइंडिंग खुल रही है, या उसका कवर पेज आदि फट रहा है, या कोई भीतर के भी पृष्ठ फट रहे हैं, तो श्रावक का पहला कर्तव्य है उस जिनवाणी की, उस पुस्तक की हमें सुरक्षा करनी चाहिए। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन पुस्तकों की, ग्रंथों की ऐसी स्थिति होती ही नहीं है कि जिनकी सुरक्षा की जाए। फिर उनके लिए आचार्य भगवंत आदि की अपेक्षा से सत्य को समझने की आवश्यकता है। पर अगर हम थोड़ा सा ही जिनवाणी का कुछ विपरीतता देख के, या थोड़ा सा ही फटा है, थोड़ा सा ही अक्षर दिखना बंद हो गए हैं, तो उसको अगर परिपूर्ण रूप से रिसाइकल आदि करने में डाल देंगे तो कभी भी जिनवाणी की सुरक्षा हो नहीं सकती। इसलिए पहला कर्तव्य श्रावकों का यही है कि थोड़ी बहुत फटी हुई जिसकी पुनः हम पुनः उसको संभाल सकते हैं, संवार सकते हैं, टेप आदि से चिपका के, कवर आदि चढ़ा के, वेस्टर्न आदि पहना के, वह परिपूर्ण रूप से उस जिनवाणी की वह सुरक्षा करना श्रावक का आद्य कर्तव्य है। और क्वचित कदाचित कुछ बहुत ही जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, तो अगर वह किस प्रकार का ग्रंथ है, किस प्रकार की पुस्तक है, उसे समझकर उसके विषय में निर्णय करने की आवश्यकता है। वह कोई प्राचीन ग्रंथ है जो कहीं अन्यत्र उपलब्ध नहीं है, तो उसे पहले तो हम व्यवस्थित स्कैन करके उसकी मूल कृति को सुरक्षित कर सकते हैं। साथ साथ अगर वह उस हालत में है ही नहीं है, तो उसे मैं ये किंचित भी सलाह नहीं दे दूंगा कि किसी पानी में बहा दो, अग्नि में जला दो। ये किंचित भी जिनवाणी के साथ करने योग्य कार्य नहीं है। बहुत सारे स्थानों में उस जिनवाणी को लेकर शोध केंद्र, उसकी सुरक्षा के केंद्र बनाए गए हैं, तो वहाँ पर आप जानकारी लेते हुए, हमारे सुनने में कुछ जबलपुर, बीना आदि के नाम ज़रूर आए हैं, वहाँ पहले उनसे जानकारी ली जाए कि इन ग्रंथों की सुरक्षा किस प्रकार से की जाती है, या
इसको भेजने के लिए क्या व्यवस्था है या आप क्या कैसा करते हो, उसको समझकर आप उसका प्रयोग करोगे, वहाँ भेजोगे तो वह अच्छी बात है, पर मैं किसी प्रकार से उसे जलाने की या पानी आदि में विसर्जित करने की आज्ञा या बात नहीं कह सकता हूँ। जबकि किसी किसी प्रमाण ग्रंथों में ये बात प्राप्त होती है कि जैसे प्रतिमा आदि का भी निष्ठापन होकर उसका विसर्जन किया जाता है, ऐसे ही जिनवाणी आदि का भी निष्ठापन आदि करते हुए उसका भी विसर्जन आदि करने की आगम में व्यवस्था बनाई है, पर वह बिल्कुल अंतिम लक्ष्य या अंतिम जब उस जिनवाणी की अवस्था होती है तभी के लिए है, पर सामान्य रूप से अगर वह व्यवस्थित हो रही है तो श्रावक को पहले उसे व्यवस्थित करना चाहिए, अन्यथा जहाँ इसकी व्यवस्था बनाई जाती है ऐसे स्थानों पर उसे भेजकर उसकी व्यवस्था या उसको रिसाइकल आदि जो भी कार्य करने उचित हो वह उस संस्था आदि से जुड़कर ही समझ में आ सकता है। आप उनसे जुड़कर उनसे समझना और उसी प्रकार से उसका कार्य करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अलका जैन सागर मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, मेरे द्वारा घर की सफाई करते हुए एक प्लास्टिक से निर्मित पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति गिरकर टूट गई है, तो उसका हमें क्या दोष लगेगा एवं उसके निवारण के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे समय चिन्ह विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, सबसे पहली बात तो हमें ये समझनी होगी कि आगम में किसी भी प्रकार से किसी श्रावक को अप्रतिष्ठित प्रतिमा घर में रखने की आज्ञा ही नहीं है, और विशेष करके कांच, प्लास्टिक, लकड़ी, मिट्टी आदि से बनी हुई वह प्रतिमा किंचित भी किसी भी प्रकार से पूजनीय वंदनीय हो ही नहीं सकती। जिस प्रकार से आचार्य भगवान ने धातु से निर्मित, पत्थर आदि से निर्मित प्रतिमा को ही पूज्य माना है, वही श्रावक योग्य स्थान देखते हुए अपने घर में गृह चैत्यालय आदि बनाते हुए रख सकता है, पर उसकी मर्यादा, उसके लिए व्यवस्थित स्थान आदि सब कुछ होने की आवश्यकता है। जो अटैच में रहने वाले जीव है उनको कभी भी ये चैत्यालय आदि के विषय में बहुत सोच समझ कर निर्णय करने की आवश्यकता है। इसलिए पहली बात ही हम ये समझें कि जब घर में ऐसे अप्रतिष्ठित प्लास्टिक आदि आदि से बनाई हुई प्रतिमा रखने का निषेध है, तो आपने घर में रखा है वही आपने बहुत बड़ा दोष किया है। आप पहले तो उसके लिए प्रायश्चित ग्रहण करें, और फिर उस भले ही प्लास्टिक की थी, मिट्टी आदि किसी भी आकार की, किसी से भी बनी हुई वह प्रतिमा क्यों ना हो, अगर वह आपसे साफ सफाई करते हुए या अन्य किसी प्रकार से टूटी है तो नियम से दोष के बाद आपने महादोष किया। पहली तो घर में रखना ही दोष था, पुनः उसका घर में किसी के हाथ से या आपके हाथ से भी टूट जाना, ये आपने बहुत बड़ा दोष और बहुत बड़ा पाप का आश्रय उस निमित्त से किया है। ये परिपूर्ण रूप से आचार्य भगवंत इस विषय में कहते हैं कि स्वप्न में भी भगवान की प्रतिमा का आकार, किसी निर्ग्रंथक दिगंबर मुनि का आकार ऐसे छिन्न भिन्न अवस्था में हमें दिखना नहीं चाहिए, और आपने तो साक्षात उस प्रतिमा को आपके हाथों से टूटते हुए देखा है। कहीं ना कहीं वह बहुत बड़ा आने वाले उस संकट के लिए निमित्तभूत संकेत हो सकता है, इसलिए उससे बचने के लिए, इस दोष और महादोष इन दोनों से बचने के लिए किसी दिगंबर मुनिराज या दिगंबर आचार्य भगवंत के चरणों में पहुंचकर आप इस विषय में अवश्य ही प्रायश्चित ग्रहण करें। प्रायश्चित किए बिना किसी भी प्रकार से इस दोषों का, महादोषों का निवारण नहीं हो सकता। आप शीघ्र ही किसी दिगंबराचार्य गुरु के पास पहुँच कर अपने इस दोषों के लिए, महादोषों के लिए प्रायश्चित ग्रहण करें और अपने इस दोषों का निवारण करें, क्योंकि ऐसे सामूहिक स्थानों से इन दोषों का निवारण नहीं हो सकता। आप व्यक्तिगत रूप से किसी आचार्य भगवान के पास पहुंचकर उसका अवश्य ही प्रायश्चित लें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। संतोष जैन मोदीनगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से अगले समय चिन्ह विकल्प के लिए ऑडियो मैसेज के रूप में हमारे संतोष जैन मोदीनगर से दोनों महाराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि यदि कोई पंडित विधवा स्त्री से विवाह कर लेता है तो वह विधान वगैरह करवा सकता है या नहीं, कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। आगम के परिपेक्ष में अगर हम इस बात को समझें तो आगम में बहुत गहरा सिद्धांत बताया गया है कि जो
एक बार स्त्री विधवा हो चुकी है, वह कभी भी किसी भी प्रकार से आगम के परिपेक्ष में पुनर्विवाह नहीं कर सकती, और जो पुरुष ऐसे विधवा स्त्री से, छोड़ी हुई स्त्री से अगर विवाह पुनर्विवाह करता है तो परिपूर्ण रूप से वह किसी भी प्रकार से दान पूजा आदि करने का पात्र नहीं बनता। ये आगम की व्यवस्था में आपको बताना चाहता हूँ कि आगम में पूर्वाचार्यों ने यही बात स्पष्ट रूप से लिखी है कि जो विधवा स्त्री से विवाह करता है, कोई ऐसी स्त्री जो छोड़ी गई है, त्यक्ता है, उससे भी अगर पुनर्विवाह करता है तो परिपूर्ण रूप से वह दोष का ही पात्र कहलाता है। पुरुष तो पुनर्विवाह कर सकता है वह, पर फिर भी वह जो स्त्री एक बार विधवा हो चुकी है, जिसका डिवोर्स हो चुका है आदि आदि, किसी भी प्रकार से छोड़ी हुई स्त्री से अगर पुरुष विवाह करता है तो वह दान का, पूजा, अभिषेक आदि का पात्र आगम के परिपेक्ष में नहीं हो सकता। पर वर्तमान की स्थिति कुछ भिन्न है। वर्तमान में जीव इस आगम को नहीं स्वीकार करना चाहते हैं, इसलिए जो हो रहा है वो भिन्न विषय है। पर आगम में स्पष्ट रूप से निषेध है, चाहे वह पंडित हो, विद्वान हो, उसे तो ऐसे कार्यों से विशेष विशेष रूप से बचने की आवश्यकता है। इसलिए आगम के परिपेक्ष में वह विधवा विवाह करने वाला पंडित हो, विद्वान हो, ज्ञानी हो या अबोध भी क्यों ना हो, वह किसी भी प्रकार से अभिषेक, पूजन, विधान, मुनियों को दान आदि देने का पात्र नहीं हो सकता। यही आगम के परिपेक्ष में आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती स्वाति जैन सागर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। मुनि तो के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, शास्त्रों में प्रमाण आता है कि सम्यक दर्शन होने पर अर्ध पुद्गल परावर्तन समय शेष रह जाता है, परंतु कहीं कहीं यह भी प्रमाण मिलता है कि अर्ध पुद्गल परावर्तन समय शेष रहने पर सम्यक दर्शन होता है। क्या ये दोनों बात एक ही है? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। प्रत्येक कार्य की सिद्धि कहीं ना कहीं काल लब्धि पर भी निमित्त भूत आलंबित होती है, और उसी सम्यक दर्शन के प्राप्ति के लिए या जीव के मोक्ष गमन के उस कार्य के लिए आचार्य भगवंत कई प्रकार से काल लब्धि की व्याख्या करते, जिसमें से आचार्य पूज्यपाद स्वामी उस अपने तत्वार्थ सूत्र टीका ग्रंथ में, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में बहुत अच्छे प्रकार से कई प्रकार से उस काल लब्धि का व्याख्यान करते, और काल लब्धि का व्याख्यान करते हुए वे स्पष्ट कहते हैं, जब जिस कार्य की होने की योग्यता होती है वही काल लब्धि है, काल लब्धि नाम की कोई भिन्न वस्तु नहीं है। पुनः उस सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ के अगर उदाहरण को, टीका को हम समझे तो वहाँ कई प्रकार से काल लब्धि की व्याख्या करते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं कि सम्यक दर्शन हो जाना ही एक उस मुक्ति के लिए काल लब्धि है, और उसी को दूसरे प्रकार से समझाते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं कि अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष रहना ये भी काल लब्धि है। इसलिए दोनों भी एक ही कार्य की काल लब्धि होने से हम उन दोनों को एक ही कह सकते हैं, एक समान ही कह सकते, क्योंकि जब तक अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष नहीं रहता तब तक वह सम्यक प्राप्त नहीं हो सकता, और सम्यक प्राप्त किए बिना वह अर्ध पुद्गल परावर्तन का काल शेष नहीं रह सकता। दोनों भी एक ही कार्य की सिद्धि के लिए बताई गई काल लब्धि है, एक काल की अपेक्षा से है और एक गुण की अपेक्षा से है, मात्र दोनों में इतना ही अंतर है। जबकि दोनों भी साधन, दोनों भी परिपूर्ण रूप से काल लब्धि रूप उसी वस्तु यानी मोक्ष सिद्धि के लिए ही बताए गए हैं, अंतर मात्र एक काल की अपेक्षा से कहा गया है और एक गुण प्राप्ति की अपेक्षा से कहा गया है। अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष रहना ये काल की अपेक्षा से कही गई काल लब्धि है, और वहीं पर अगर हम सम्यक दर्शन से अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष रहते ऐसा कह रहे हैं तो वहाँ उस सम्यक दर्शन गुण की मुख्यता से कहा गया कथन है। जबकि दोनों का कथन एक सा ही है, दोनों का लक्ष्य एक सा ही है, अंतर मात्र कथन कथन का है। जैसा भिन्न प्रकार का कथन है, गुण की अपेक्षा से, कभी काल की अपेक्षा से जिसकी मुख्यता से कथन होगा, उस समय पे हमें उस प्रकार से समझना होगा। पर दोनों भी एक ही विषय है, दोनों भी बिल्कुल एक दूसरे के लिए पूरक है। काल लब्धि यानी अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष रहने के अभाव में सम्यक दर्शन नहीं होगा, अर्ध पुद्गल परावर्तन रहने पर ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है, और
सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, मतलब वह अर्धपुद्गल परावर्तन काल ही शेष बचा है। ये दोनों भी एक दूसरे के लिए पूरक है, चाहे अग्नि कह दो चाहे उष्णता कह दो, दोनों एक दूसरों के साथ होने से दोनों की सिद्धि एक कहने से हो जाती है। ऐसे ही काललब्धि के लिए चाहे आप उस अर्धपुद्गल परावर्तन को प्रमाण मान लो या सम्यक दर्शन को प्रमाण मान लो, मात्र एक ही वस्तु को दो दृष्टि से देखने की और दो दृष्टि से कहने की ये व्यवस्था है। दोनों बिल्कुल एक ही समान, एक दूसरे के पूरक, इसलिए इसमें कथनचित भिन्नता है, पर वास्तविकता में एक लक्ष्य होने से समान रूप से ही ग्रहण करना होगा, यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मंजूषा जैन सागर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। महाराज जी संयम और तप में क्या अंतर है, मेरे समीचीन प्रश्न का सम्यक समाधान करें और मेरा मार्ग प्रशस्त करें, उनकी तरफ से मैंने प्रश्न पूछा है। प्राणी इंद्रियेषु अशुभ प्रवृत्ति निवृत्ति निवृत्तः संयमः कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः। ये दोनों की परिभाषा अगर व्यक्ति समझे तो संयम और तप में वह जो महान अंतर है उसे भी अवश्य ही समझ सकता। जो प्राणी असंयम है, इंद्रिय असंयम है, जो ये 12 प्रकार के असंयम हैं, उससे दूर हो जाना या प्राणियों के और इंद्रियों के निमित्त से जो जीव की अशुभ परिणति चल रही है, जो अशुभ परिणाम चल रहे हैं, उससे निवृत्त हो जाना, उससे दूर हो जाना, इसका ही नाम आचार्य भगवंत ने संयम कहा है। और वहीं पर जब उसके उपरांत तप की व्याख्या प्रारंभ होती है, वहाँ तप की परिभाषा करते हुए आचार्य भगवान कहते हैं कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपा। कर्म के क्षय के लिए जो भी कार्य किया जाता है वह तप है, इसलिए संयम और तप में थोड़ा सा अंतर है। और भी अपेक्षा से अगर हम समझें तो संयम को आचार्य भगवंत संवर का साधन कहते हैं। संयम से संवर होता है और निर्जरा से संवर के साथ साथ वह तपस्या से या तप से संयम के साथ साथ निर्जरा भी होती है, क्योंकि आपने उमा स्वामी के सूत्रों को पढ़ा ही होगा, वह तपसा निर्जरा च, वह तप निर्जरा और च से संवर से संबंध है, वह तपस्या संवर को भी और निर्जरा को भी देने वाली होती है। पर संयम मात्र और मात्र अपने उस अशुभ कर्मों की अशुभ पापों की निवृत्ति रूप होने से वह मात्र संवर रूप है, पुराने कर्मों का क्षय करने के लिए वह किंचित भी कार्यकारी नहीं हो सकता। भले ही संयम को भी 12 प्रकार से कहा है, तप को भी 12 प्रकार से कहा है, ये भले ही उन दोनों के भेदों में प्रभेदों में मुख्य रूप से समानता हो सकती है, पर एक मात्र और मात्र संवर का निमित्त है और एक संवर पूर्वक निर्जरा का ही कार्य का आचार्य भगवान ने कहा है। वह तप भी श्रेष्ठ वही होता है जो संवर पूर्वक या संयम पूर्वक किया गया है। इसीलिए पहले आप दशलक्षण में भी देखना, पहले उत्तम संयम आता है, फिर उत्तम तप धर्म आता है। उसके पीछे भी आचार्य भगवंत का यही मुख्य उद्देश्य है कि संवर पूर्वक हो या निर्जरा क्यों ना समझे प्राणी। पढ़ा भी होगा कि संवर पूर्वक अगर निर्जरा नहीं कर रहा है तो उसका वह निर्जरा या तपस्या आदि करना किंचित भी कार्यकारी नहीं हो सकता। इसलिए तपस्या के पहले, तप के पहले संयम, जो 12 प्रकार के इंद्रिय और प्राणी की अशुभ प्रवृत्ति से निवृत्त होने की बात कही है, वे परिपूर्ण रूप से उसे स्वीकार करना ही परम आवश्यक है। इसलिए इस अपेक्षा से इस संयम में और तप में वह अंतर है, कथनचित दोनों भी आत्मा की परिणति आदि होने से हम उसे समान कह सकते हैं, कथनचित 12 भेद होने से समान कह सकते हैं, पर वास्तविकता एक संवर का कारण है और एक संवर के साथ साथ निर्जरा का भी कारण है। निर्जरा वो होती है जो पूर्व कर्मों का क्षय करने के लिए कार्यकारी होती है, इसलिए तप की ही परिभाषा करते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपा। कर्म के क्षय के लिए जो तपा जाता है उसे ही तप कहते हैं, और प्राणी और इंद्रियों की जो अशुभ प्रवृत्ति है वह उससे दूर होना, उसे आचार्य भगवंत संयम कहते हैं। इस प्रकार से उस संयम धर्म में और तप धर्म में कथनचित अंतर है,
पर अधिकरण दोनों का आत्मा एक ही होने से हम उसे समान भी कह सकते हैं, पर दोनों में अंतर इस प्रकार से हमने समझा और यही आगम के परिपेक्ष में आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधु, हम सब लाभ ले रहे थे बहुचर्चित कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान का। आप लोगों से एक सूचना, एक रिक्वेस्ट, जल्द ही पर्यूषण पर्व शुरू होने वाला है और पर्यूषण पर्व में मोराजी सागर से समय सारोपासक संस्कार शिविर का आयोजन किया जाएगा। आप अगर इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो तो हमारा जो व्हाट्सएप के नंबर है उस पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या आप इनके जो नंबर है 9827275100 इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। पूर्ण यहाँ पे आगंतुक की शिविरार्थियों की प्रासूक भोजन एवं आवास की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। समय सारोपक साधना संस्कार शिविर में 10 दिन शिविर रहेगा एवं उसके अंतर्गत समय सारोपक क्रिया, पूजन, अभिषेक, मुनि संघ के विशेष पर्व के आयोजन पे प्रवचन, मोक्ष मार्ग का विश्लेषण करते हुए मोक्ष शास्त्र ग्रंथ पर टीका, प्रतिक्रमण, आचार वंदना एवं सम्यक समाधान, यह कार्यक्रम का लाभ आप प्रत्यक्ष रूप से ले सकते हैं। तो आप सोचिए मत, तुरंत ही जो नंबर दिए गए हैं आप उस पर संपर्क करें और सागर में आप सभी आमंत्रित हैं समय सारोपासक साधना संस्कार शिविर के लिए। आज के लिए इतना ही। मैं मुनिषि के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देता हूँ। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कुसुम जैन मातेश्वरी, नेहा नीलम, विकास जैन, प्रीति राजी जैन आदि सानिया, समकित देशना, सिद्ध वेदिका, मोदी परिवार, सोराई वाले, बाहुबली नगर, ललितपुर।